बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामाइन, बाबे इलम में खुश आमदीद। सामाइन कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, घरेलू टोटकों में इस्तेमाल होने वाले पांच ऐसे टोटके जिनके फवाइद की तस्दीक साइंस ने भी कर दी। घरेलू टोटके हर दौर में कारामद और मुफीद साबित हुए हैं। इनकी तासीर से हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान का अंसर बहुत कम देखने में आया है। यही वजह है कि आज साइंस भी इन घरेलू टोटकों की हमायत कर रही है। जानते हैं वो आम से टोटके जो साइंसी एतबार से भी काबिले इस्तेमाल और बहुत फायदेमंद हैं। नंबर 1, लोबिया के पत्ते। लोबिया के पत्ते खटमल बगाने का एक आम और कारामद टोटका है। इसकी साइंसी तस्दीक जनरल ऑफ द रॉयल एसोसिएशन इंटरफेस में शाया एक तहकीक में हुई है। माहिरीन के मुताबिक लोबिया के पत्तों में मौजूद अज्जा खटमलों के खात्मे और हमसे दूर रखने में मदद देते हैं। रात को सोने से कबल इनको अपने घर में जगह जगह रख लें। नंबर 2 है जर्नल पीडिया ट्रक्स में शाया एक तहकीक के मुताबिक खांसी की तकलीफ में सोने से आधे घंटा कबल शहद चाटा जाए तो खांसी की शिकायत में कमी आती है। इसी तरह किसी जख्म पर शहद को मलना इसे ठीक करने में मदद देता है। नंबर 3, एरिजोना यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के माहिरीन कहते हैं कि लहसुन जरासीम कश एंटी फंगल और बैक्टीरिया कश होता है, इसलिए बालों की अफसाइश, कील महासों के खात्मे, नजला जुकाम की रोकथाम, मोटापे में कमी और होंठों पर जख्म को ठीक करने में मावन साबित होता है। नंबर 4 है मायो क्लिनिक अमरीका के मुताबिक प्याज में मौजूद अज्जा कैंसर, अमराज़े कल्ब, हड्डियों की कमजोरी और ज़ियाबतीस के खिलाफ फायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा शरियानों की बीमारी और फालज का खतरा भी कम करने में प्याज बहुत मदद देती है। नंबर 5 है तिब्बी जरीदे जनरल कैंसिस प्रियोनिटेशन के मुताबिक अदरक से आंतों के वर्म में कमी आती है और ये इंसानी खूबसूरती के निखार का जरिया बनती है। सामाइन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये पांच बहुत आसान और घरेलू सी चीजें इस्तेमाल करके आप बहुत से फवाइद हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव और मुफीद लगी होगी। सामाइन, बाबे इलम पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इलम पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। समय वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।